दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के लिए 2 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ DLF अंकुर विहार में। ये फ्लैट रहने वाला है। फ्लैट को दिखाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये फ्लैट बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला है। पूरा रेडी टू मूव कंडीशन में ये फ्लैट आप लोगों को हम डिलीवर करते हैं। स्पेस की बात करूँ, बहुत अच्छा आपको स्पेस मिलता है। हमारे पास जो 2 BHK फ्लैट स्टार्ट होते हैं दोस्तों, ऐसी जगह मैं आपको फ्लैट देने वाला हूँ जहाँ पे बसावट आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। सभी के घर पे देखो टंकियाँ लगी हुई हैं, उसी तरह से तो भैया हमने भी यहाँ पे आपको टंकी लगा के दे रखी है। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे पूरी बसावट है, पूरी बसावट वाले मैं देने वाला हूँ। सामने की तरफ देखोगे लेफ्ट में ही तो आपको मंदिर देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये अब जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो बिल्डिंग रहने वाली, इसी बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को आपका 2 BHK का फ्लैट देने वाला हूँ, 1 BHK का फ्लैट देने वाला हूँ। अभी बात की जाए तो सबसे पहले तो देखोगे नगर पालिका पार्षद के बिल्कुल साथ में लगती वाली ये ज़मीन रहने वाली आपकी। और इस साइड अगर आप देखोगे तो बसावट अच्छी खासी, इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये बिल्डिंग ऑलरेडी रेडी है। इस साइड भी यहाँ पे अभी स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप लोगों को एक नई बिल्डिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बात की जाए रोड की तो रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 30 फीट की यहाँ पर आपको प्रॉपरली रोड दी जा रही है। और अगर आप लोग पार्किंग करना चाहते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है तो आप लोग अपने घर के बाहर पार्किंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर के लिए अंदर की तरफ आपको अच्छी पार्किंग मिल जाती है। आइए मैं आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ कि पार्किंग एरिया आपका कितना रहने वाला है। यह आप लोगों का पार्किंग एरिया रहने वाला है। दोस्तों आप आराम से यहाँ पे सभी लोगों की, जितने भी बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उन सभी की बाइक आराम से पार्क हो जाएगी। लाइटिंग सेटअप का यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है। हम इंडियंस हैं तो तिरंगे को कभी नहीं भूल सकते, तो तिरंगे के कलरिंग्स में हमने यहाँ पे आप लोगों को लाइट दिया हुआ है। सभी का जो मीटर रहेगा बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे रहने वाला है। ये आप लोगों का सेफ्टी टैंक मिल जाता है आप लोगों का, और प्लस इस साइड में आपका समरसेबल का मिल जाता है। अभी आ जाएंगे आगे की तरफ तो ये आपका स्टेयर्स रहेगा दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं फ्लैट में। अभी हम लोग अपने फ्लैट में आ चुके हैं, ये आप लोगों का फ्लैट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाना चाहूंगा, और किचन से साइड में इधर लगते हैं आपका वॉशरूम हो जाएगा, जो आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है दोस्तों। एंड इस साइड में देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको तो स्पेस देखने को मिल रहा है, पर उसके साथ आपको यहाँ किचन में भी बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। और ये पूरा मॉड्यूलर आपका किचन रहने वाला है। इस साइड आपको वेंटिलेशन के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, खिड़की लगी हुई है, और यहाँ पे चाहे आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हो। स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंक ऑप्शन के हमने सिंक लगाई रखी है। टैप्स वगैरह पूरा हम आपको लगा के देने वाले हैं। यह आपका स्टोरेज सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपना सामान रख सकते हो। अगर क्वालिटी की बात करें तो अच्छी वुडन क्वालिटी का यूज़ करते हैं, प्लस ये आपका स्टेनलेस स्टील का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम इसमें आपको सारा सामान लगा के देते हैं। इनकी जो लाइफ रहती है कम से कम 10 से 15 साल आराम से जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप इसका प्यार से यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करें तो ये मार्बल इसके ऊपर लगा हुआ है। मार्बल जो है आप लोगों का हमेशा हम डबल लेयरिंग का लगा के देते हैं। ये देखोगे आपका डबल लेयरिंग का मार्बल रहता है, और मार्बल से जस्ट इस साइड सामने वाली वॉल पे हम आपको टाइल्स लगा के देते हैं। बिल्कुल आपका जब ये फ्लोर है फ्लोर से मैच करते हुए, यहाँ पर भी स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्विच दिया हुआ है, यहाँ स्विच दिया है, यानी कि 3 स्विच तो हमने यहाँ दिए हुए हैं। बाकी आपको यहाँ पे सारे के सारे आपके बटन देखने को मिल जा रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ ऊपर की तरफ देखो तो हमने लाइट लगा रखा है। स्टोरेज सेक्शन के लिए आप यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाएगी, चिमनी का कनेक्शन खिड़की से आप बाहर कर सकते हो। और बात करें स्टोरेज की तो स्टोरेज देखोगे काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको मिलता है। लाइट हमने लगाए हुए हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी सामान रखने में अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। सेम यही चीज़ें यहाँ पे भी हमने पूरा किया हुआ है। आपको 1% की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आप बोलो नहीं यार हमने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे 2 लोग बहुत ही आराम से काम कर सकते हैं। तो ये आपका किचन एरिया हो गया। किचन एरिया के बाद बात करूँ, ये आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। तो अगर आप अंदर की तरफ जाके देखोगे तो यहाँ पे भी हमने पूरा टाइल लगा के दिया हुआ है। और अगर देखोगे तो यहाँ पे वेंटिलेशन की खिड़की दी है, आगे तरफ गीजर के लिए हमने स्विच दिया हुआ है, और सारी सारी चीज़ें इसमें हम आपके लगा के देने वाले, जैसे कि आपके टैप्स हो गए, शावर टैप भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम था। अब बात करते हैं मेन आपका डाइनिंग स्पेस हॉल की। आपका जो ये हॉल होने वाला है बहुत अच्छा, बहुत स्पेसेस आपका यह है। और सबसे पहले फ्लोर सीलिंग आप देखोगे तो हमने हमेशा लाइटनिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, तो लाइटनिंग वाला यहाँ पर आप फोर्स नहीं देते, चारों तरफ भी आपको लाइट्स मिल जाते हैं। इन सभी के कनेक्शन जो आप लोगों को यहाँ मिलता है
बटन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हमने सोच समझ के यहाँ पे आपके लिए बटन्स लगाए हैं जिससे हर एक बटन आप लोगों के काम आए। एंड उसके बाद इधर की तरफ देखोगे तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर वाला नहीं है, ओरिजिनल लगा हुआ है। ये देखो, ये मैंने पकड़ लिया ये, और आप इसे चाहे तो रिमूव करवा सकते हो, दूसरा भी लगा सकते हो। अभी इसमें फिनिशिंग थोड़ा सा बाकी है, फिनिशिंग के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे। बात करूँ तो फैसिलिटीज की, तो सबसे अच्छी जगह पर मैं आपको फ्लैट देता हूँ, बिल्कुल आपके फ्लैट के सामने आपको एक टेम्पल मिल जाता है जो कि अपने शिव जी का टेम्पल रहने वाला है। और आसपास में सभी लोकल मार्केट मिल जाती है, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट आपको आराम से मिल जाती है, फास्ट फूड मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाती है, बैंक वगैरह चाहिए वो भी आपको मिल जाते हैं, ATM चाहिए वो भी मिलता है, बैंक भी चाहिए तो बैंक भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी सारी रेल विहार के अंदर रहने वाली है, गेटेड पूरी सोसाइटी रहने वाली है, टाउनशिप रहने वाली है। पर सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको जो रोड यहाँ पे दी जाती है 30 फीट की आपको रोड दी जाती है, काफ़ी चौड़ी रोड है। और बहुत से भाइयों कहते हैं दिल्ली के अंदर रहने वाले, तो भाई कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ से आपका सिग्नेचर ब्रिज जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे रहता है, कश्मीरी गेट भी यहाँ से एकदम पास है, मेट्रो स्टेशन आपको दो दो मिल जाते हैं, एक आपको खजूरी का मेट्रो स्टेशन मिल जाता है, दूसरा आपको मिलता है शिव विहार का मेट्रो स्टेशन, और लोकल कनेक्टिविटी सारी ये सारी आप लोग के यहाँ मिलती है। बच्चों की बात की जाए, स्कूल कॉलेज ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलता है आपको, किड्स के लिए प्राइमरी स्कूल आपको मिल जाती है, और बात की जाए बड़े बच्चों के लिए तो स्कूल कॉलेज सब कुछ यहाँ पास में मिलने वाला है आप लोगों के लिए, तो सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जॉब की टेंशन कोई नहीं है। और सबसे अच्छी जो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है आप लोगों का, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल आपके फ्लैट के नज़दीक रहने वाला है, तो एज अ इन्वेस्टमेंट भी आप सोच रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, एज अ आप रेजिडेंशियल सोच रहे हैं तो वो भी बढ़िया है। इस फ्लैट की बात करूँ तो देखो दोस्तों, 2 BHK जो फ्लैट है अपना 15 लाख 16 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, जिस फ्लैट की मैं बता रहा हूँ ये फ्लैट भी काफ़ी कम प्राइस में रहने वाला है, प्लस आप लोगों को यहाँ सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है, बहुत से लोगों को यहाँ पे सब्सिडी भी मिली हुई है। अभी सब्सिडी बंद नहीं हुई, मेरे बहुत से भाई कहते हैं भाई सब्सिडी बंद हो गई है, तो नहीं ऐसा नहीं है, आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, हम आपको पूरे क्लियर करेंगे, आप एक बार कॉल कर लीजिए सब्सिडी के रिगार्डिंग भी। तो ये सारी फैसिलिटीज होगी। बात करें इसके साइज की तो 14x9 का आप लोगों का ये डाइनिंग स्पेस एरिया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 14x9 का 2 सेट सोफा आप आराम से यहाँ लगा सकते हैं, उस साइड आपने रेफ्रिजरेटर या सोफा उधर भी लगा सकते हैं। टीवी पैनल की बात करें तो टीवी पैनल आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं रहने वाली। आ जाते हैं अपने फर्स्ट रूम के अंदर, तो दोस्तों ये आप लोगों का पहला रूम रहने वाला है। पहले रूम के अंदर जैसे आओगे, अभी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगवाई हैं, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। इस वॉल के ऊपर हम आप लोगों के लिए वॉलपेपर स्टिकर लगा के देने वाले हैं, जिसकी लाइफ 5 साल से अबव की रहती है। बात करें साइज की तो 10x10 का ही आप लोगों का रूम का साइज रहने वाला है। और फोर सीलिंग में हम आपको फैन वगैरह लगा के देने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि फैन आपको लगाना पड़ेगा। AC के लिए हमने यहाँ स्विच दे दिया है, आप लोग अपना AC का कनेक्शन यहाँ करा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी करा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह आपकी विंडो है, विंडो के बाहर आ जाते हैं तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बाहर आने के बाद आप ये देखोगे, ये आपकी बालकनी रहने वाली है, बालकनी में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। यहाँ पे हमने आपको स्विच दिया है, ये आपका वॉशिंग एरिया बना सकते हो, आराम से इधर वॉशिंग वगैरह कर सकते हो, ये वेंटिलेशन के लिए जो हमने आपको दिखाया था। अभी चलते हैं आप लोगों के दूसरे सेकेंडरी रूम में, पर उससे पहले अगर फ्रंट साइड का व्यू आप लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा आप लोगों को यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। और जो मैंने अभी आपको अंदर मंदिर के बारे में बताया था, तो सामने देख पा रहे हो जूम करके अगर हम आपको दिखाएं तो एकदम सामने आपको मंदिर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या हो, कितना अच्छी बात है भैया, जब भी आप खिड़की से बाहर आओ देखो तो सामने शिव जी का मंदिर हो। अभी आ जाते हैं आप लोगों के लिए सेकेंडरी रूम के अंदर, ये आप लोगों का रहेगा सेकेंडरी रूम। बालकनी आप लोगों को एक साइड में मिलती है, पर अंदर की तरफ आओगे तो ये वाला जो रूम है ये भी आपका 10x10 के अंदर का रूम रहने वाला है। 2 सेट बेड बहुत ही आराम से लग जाएगा। खिड़की मैंने खोल दी आप लोगों के लिए, तो खिड़की यहाँ पे मिल जाती है आप लोगों को। हाँ, आपको जो बालकनी मिलती है 1 साइड एंट्रेंस की ही मिलती है, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। टाइल्स की बात करूँ तो 8 फीट तक की आप लोगों को यहाँ पे टाइल देखने को मिलती है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी हम लगा के देंगे। इस वॉल पे भी हम आप लोगों को वॉलपेपर स्टिकर लगा के देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए पूरा रेडी टू मूव कंडीशन में हम ये 2 BHK फ्लैट बना के देने वाले हैं। जब भी आप अपने फ्लैट की बुकिंग कराते हो, इसके ऊपर की जो फिनिशिंग का काम है तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। बुकिंग की बात उठी है तो बुकिंग अमाउंट बहुत ही नॉमिनल रहने वाला है, मात्र 21,000 में बुकिंग हो जाएगी। अगर आप फाइनेंस पे लेना चाहते हैं तो फाइनेंस की सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों को 90-100%, जी हाँ दोस्तों, 90-100% तक का बैंक लोन यहाँ से करा के दिया जाएगा, इस कंपनी के थ्रू करा के दिया जाएगा। अभी बात करें कि अगर आप लोगों के पास, अभी बात करते हैं कि किचन फैसिलिटीज क्या क्या मिल जाती है आप लोगों के, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बता दूँ दोस्तों। पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, समरसिबल आपको तो यहाँ मिल ही रहा है, प्लस यहाँ पे गंगा जल बोर्ड का वाटर सप्लाई भी है जो आप यहाँ पे कनेक्शन ले सकते हो। प्लस एक चीज़ और आपको अच्छा मिल जाता है कि आप लोग यहाँ पे गैस सप्लाई भी ले सकते हो, जो कि IGL गैस का यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है,
तो आप वो भी ले सकते हो। तो फ्लैट जो है पूरा रेडी टू मूव में मिलता है। तो प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, काफी कम प्राइस में मिलने वाला है। 16 लाख से हमारे 2 बीएचके प्राइसिंग स्टार्ट होती है। 15 लाख में भी हमारे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है, अप्रूव हो जाती है आपकी सब्सिडी, तो 2,67,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाता है। यानी कि अगर आप लोग 16 लाख का फ्लैट लेते हो तो आपको 13.5 लाख तक का ये फ्लैट पड़ जाएगा आफ्टर सब्सिडी। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये फ्लैट पसंद आया होगा। हमने इस फ्लैट में सारी चीज़ें आपको दिखाई है, बाहर की चीज़ें दिखाई है, और फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी आप लोगों की इंक्वायरी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो, चाहे पार्किंग को लेके या फिर छत को लेके। तो चलिए एक बार मैं आपको छत भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप छत देखो आप लोगों की, ये कॉमन छत है, हर कोई यूज़ कर सकता है। और उस साइड देखोगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, वहाँ देखोगे तो पूरी पूरी बसावट वाली जहाँ मैं आपको फ्लैट दे रहा हूँ।